नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 के एक्सक्लूसिव सेशन में आपका स्वागत है। आज आप लोगों के साथ मैं अजय सिंह जुड़ के आप लोगों को बताएंगे, हर महीने जिस तरीके से आप लोगों को मालूम है कि आप लोगों को एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के बारे में जानकारी देते हैं, वो जानकारी आपको बताएंगे। आज आप लोगों को खाद तेल बाजारों की एक्सक्लूसिव जानकारी, खाद तेल बाजारों में किस तरीके से बाजारों में कामकाज होकर चल सकता है, आने वाले मंथ में खाद तेल बाजारों की जानकारी आपको बताएंगे, जिसके अंतर्गत सोया ऑयल, पामोलिन, राइस ब्रान ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन सीड, मस्टर्ड सीड और साथ ही साथ आपको सनफ्लावर ऑयल, केएलसी के बाजारों में सारी जानकारी विस्तार से, बाजारों में कहां पर एक अच्छा सपोर्ट लेवल है, कहां पर आप बिकवाली कर सकते हैं, कहां पर आप बाजारों में खरीदारी करें, लॉन्ग टर्म का व्यू क्या है, सारी जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे। तो जो लोग भी हमारे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। और आपको बता देते हैं, बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट का एनालिसिस आपको अगर जानना है तो मॉर्निंग 9:30 का आप शो जरूर ज्वाइन करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सोमवार शुक्रवार आप मॉर्निंग आप हमारे साथ जुड़ के अपने सवालों के जवाब लाइव सेशन में रोजाना रहते हैं और वहां पर आप जुड़ के सवालों के जवाब ले सकते हैं। तो चलिए बात करेंगे सबसे पहले खाद तेल बाजारों में किस तरीके से बाजारों में कामकाज हुआ। खाद तेल बाजारों की अगर बात करी जाए तो मई मंथ में एक जबरदस्त गिरावट देखी गई और आपने देखा है जो मई मंथ में जो गिरावट आई, 2020 में जो लेवल थे, 2021 का लेवल ब्रेक किया और 2020 के लेवल के आसपास समकक्ष बाजार जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 2020 की अगर बात करेंगे तो 2020 में 76 रुपए से 86 रुपए की रेंज में सभी खाद तेल बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आ रहा था। इस समय अगर आप देखेंगे, इस समय जो रेंज है 81 रुपए से 80 रुपए से 92 रुपए की रेंज में बाजारों में कामकाज होता हुआ सभी खाद तेल बाजारों में नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं जो लगातार बाजारों में गिरावट है, इसका मुख्य कारण सनफ्लावर ऑयल जो कंटिन्यू बाजारों में आ रहा है, उसकी वजह से बाजारों में गिरावट देखी जा रही है। सोया ऑयल की डिमांड बिल्कुल स्लगिस हो गई है, सोया ऑयल की डिमांड में बिल्कुल भी बाजारों में तेजी नहीं बनने मिल रही है। इसी तरीके आप सोयाबीन सीड की बात करेंगे तो लगातार बाजारों में गिरावट है, सोयाबीन सीड का भाव भी 5,000 से 5,200 रुपए की रेंज में कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। बाजारों में लगातार गिरावट का मुख्य कारण विदेशी बाजारों में एक जो पैनिक की स्थिति बनी हुई थी, इस वजह से बाजारों में गिरावट देखी जा रही है। अब बात करेंगे क्या स्थिति है, किस तरीके से आप खाद तेल बाजारों में खरीदारी करें, सोया ऑयल पामोलिन में क्या लेवल रह सकता है। तो सोया पामोलिन में जो अपना लोअर बॉटम अभी लगा दिया है, सोया ऑयल की अगर बात करेंगे, सोया ऑयल ने जो अपना लोअर एक बॉटम का लेवल आपने देखा होगा इस समय जो बाजारों ने लगा दिया है, एक 85 रुपए का लोकल बाजारों में एक लोअर का लेवल लगा दिया है, 85 रुपए लोकल बाजारों में हो गया है। अगर आप पोर्ट की बात करेंगे तो पोर्ट में लगभग आप देखेंगे पोर्ट में 83 रुपए के आसपास बाजारों में 820 से 830 रुपए के आसपास पोर्ट पे भाव हो गया है। तो बाजारों में अब जो खरीदारी आपको करनी है, अगर आपको खरीदारी करनी है बाजारों में, कहीं पर भी करेक्शन आता है, सोया ऑयल में फिलहाल के लिए लोकल बाजारों में खरीदारी करनी है, 83 से 84 रुपए का सपोर्ट लगाइए सोया ऑयल में। और आपको जो खरीदारी करनी है 86 से 87 रुपए के आसपास आप सोया ऑयल में खरीदारी करके आप जून मंथ के हिसाब से बाजारों में चल सकते हैं। यहां से बाजारों में जो रिकवरी है, रिकवरी आपको 93 से 95 लेवल तक बाजारों में आप बाजारों में देख के चल सकते हैं। तो जानकारी आपको सोया ऑयल के बारे में दे दी। अब सोयाबीन सीड के बारे में कंसीडर करते हैं, सोयाबीन सीड में किस तरीके से कामकाज है। सोयाबीन सीड अगर 5,200 की स्थिति है, सोयाबीन सीड में 5,000 रुपए का लेवल, सोयाबीन सीड का लेवल बेस्ट है, 5,000 रुपए के आसपास से आप खरीदारी करिए, 4,900 का सपोर्ट लगाइए, आप बाजार में 5,500 रुपए की रेंज आपको जून मंथ में बाजारों में दिखाई देके, बाजारों में जो आपको कीर्ति सोयाबीन जो प्लांट वगैरह के रेट चलते हैं 5,500 रुपए की रेंज में आपको बाजारों में दिखाई देके चल सकते हैं। अब इसी तरीके से बात कर लेते हैं मस्टर्ड सीड की। तो मस्टर्ड सीड की अगर बात करेंगे, 4,900 रुपए भरतपुर का भाव चल रहा है। आपको अगर खरीदारी करनी है 4,600-4,700 का, 4,700 का 4,700 रुपए का सिर्फ सपोर्ट लगाइए, ऊपर में आपको 5,500 रुपए तक के लेवल बाजारों में एक रिकवरी आती हुई बाजारों में नजर आएगी। लेकिन आप सोचेंगे बाजारों में एक तरफा तेजी, तो एक तरफा तेजी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे कि बाजारों में एक तरफा तेजी ना आने का कारण, बाजारों में जो सनफ्लावर ऑयल शुल्क मुक्त आयात तेल, अभी जून में भी सनफ्लावर ऑयल बाजार में कंटिन्यू आ रहा है, इसकी वजह से उसका दबाव देखा जा रहा है। और सोया ऑयल तो बिल्कुल भी नहीं चल पा रहा है। सोया ऑयल आप देखेंगे सनफ्लावर ऑयल की स्थिति, जो नीचे में सनफ्लावर ऑयल बिका 820 रुपए सनफ्लावर ऑयल बिका, सोया ऑयल आप देखेंगे तो नीचे में 85 रुपए बिक गया। अगर आप पामोलिन की बात करेंगे तो पामोलिन का बाजार 800 रुपए कांडला पोर्ट पे नीचे में बिक गया, लोकल बाजारों में 85 रुपए कामकाज हो गया। अगर आप बात करें मूंगफली का तेल में, मूंगफली के तेल में बहुत ज्यादा नरमी रही नहीं रही, सनफ्लावर ऑयल का भाव 820 रुपए तक बाजारों में चला गया। तो आप देख के चल सकते हैं बाजारों में जबरदस्त, बाजारों में जो ग्लोबल बाजारों में गिरावट देखी गई, उस वजह से गिरावट देखी गई। तो हमने आपको मस्टर्ड ऑयल में जो आपको खरीदारी करनी है,
आप 4700 से 4700 रुपए के आसपास खरीदारी करिए, 100 से 200 रुपए का ही सपोर्ट लगाइए, रिकवरी आपको अच्छी बाजारों में मिल सकती है। 5300 से 5500 रुपए तक बाजार आपको दिखाई देके चल सकते हैं। जून मंथ की बाजारों में एक्सपेक्टेशन दिखाई दे रही है। इसी तरीके से आपको मस्टर्ड ऑयल में खरीदारी करनी है, 93 से 94 रुपए के आसपास आप खरीदारी करिए, 92 रुपए का छोटा सपोर्ट लगा लीजिए, ऊपर में 100 रुपए तक के आपको लेवल, 100 से 102 रुपए तक के लेवल आपको बाजारों में दिखाई देके चल सकते हैं। अगर और बढ़िया सपोर्ट किया तो 105 रुपए भी आपको मस्टर्ड ऑयल में भाव दिखाई देके चल सकता है। चलिए बात करेंगे पामोलिन की स्थिति। पामोलिन की अगर बात करेंगे तो पामोलिन ऑलरेडी बाजार अपने बॉटम लेवल पे चल रहा है। पामोलिन में आपको लोकल बाजारों में खरीदारी करनी है। कांडला पोर्ट पे 800 का सपोर्ट रॉक बॉटम सपोर्ट है। लोकल बाजारों में सपोर्ट आपको 83 रुपए का सपोर्ट ले लीजिए, 84 रुपए का सपोर्ट के साथ आप खरीदारी करिए, 86 रुपए के आसपास आप खरीदारी कर सकते हैं, 82 से 83 रुपए का सिर्फ सपोर्ट लगाइए और खरीदारी पे बने रहिए। ऊपर में लेवल आपको 92 से 93 रुपए आपको दिखाई देके चल सकता है। तो ये आपको पामोलिन के बारे में बता दिया। राइस ऑयल की अगर बात करेंगे तो 75 रुपए का सपोर्ट लगाइए, 75 रुपए का सपोर्ट अच्छा सपोर्ट है, 78 से 79 रुपए के आसपास, 77-78 के आसपास जहां बाजार मिले खरीदारी करिए। ऊपर में राइस ऑयल में सबसे बढ़िया तेजी 87 रुपए और 90 रुपए तक के भाव आपको बाजारों में जून मंथ में दिखाई देके चल सकते हैं। तो ये भी जानकारी आपको दे दी राइस ऑयल की। सन ऑयल में अगर बात खरीदारी करनी है, 800 का सपोर्ट, सन ऑयल आपको 930 रुपए तक ऊपर में दिखाई देके चल सकता है। अगर आप बात करेंगे मूंगफली के तेल की तो मूंगफली के तेल में भी बाजारों में तेजी दिखाई दे सकती है, 3 से 4 रुपए किलो। कॉटन रिफाइंड भी 4 से 5 रुपए किलो बाजार अपने बॉटम पे चल रहा है, यहां से बाजारों में आपको तेजी दिखाई देके चल सकती है। अब बात कर लेते हैं केएलसी। केएलसी ने 3200 रिंगिट का एक अच्छा सपोर्ट फिर से गेन किया है। 3200 रिंगिट अगर सपोर्ट होल्ड करता है, 3200 रिंगिट का सपोर्ट होल्ड करेगा तो आप यहां से जो ऊपर में आप देखेंगे, ऊपर में आपको जो बाजार दिखाई देगा 3500 रिंगिट फर्स्ट लेवल है, 3700 रिंगिट सेकंड लेवल तक बाजारों में आपको कामकाज होता हुआ नजर आएगा। तो आप देख के चल सकते हैं, आप बाजारों में कहीं पैनिक नहीं करना है। 3200 रिंगिट जब तक होल्ड है बाजारों में, आप यहां से आपको रिकवरी दिखाई देगी। बाजारों में स्ट्रेटेजी क्या रखनी है, गिरावट पर खरीदारी करनी है, ऊपर में भड़बड़ा के खरीदारी नहीं करनी कि बाजार बिल्कुल से बाजार एकदम से 4 रुपए किलो 5 रुपए किलो बढ़ गया अब खरीदारी करनी है, नहीं। वेट एंड वॉच, ऊपर में थोड़ा सा वेट इंतजार करिए, बाजार करेक्ट होके आता है, बाजार में एक तरफा तेजी नहीं है। और ध्यान में रखिएगा पूरे साल बाजारों में लंबी चौड़ी तेजी नहीं आएगी, इलेक्शन का समय है, 4 विधानसभा में इलेक्शन है, फिर लोकसभा में इलेक्शन है, सरकार नहीं चाहती है बाजारों में तेजी आए, किसान मरता है मर जाए, व्यापारी मरता है मर जाए, सरकार नहीं चाहती है कि बाजारों में लंबी चौड़ी तेजी हो सके। तो इस चीज को ध्यान में रख के कामकाज करिएगा, रिकवरी आती रहेगी। लंबी चौड़ी आप तेजी सोचे कि 20 रुपए किलो की तेजी नहीं, सबसे बढ़िया तेजी आपको राइस ऑयल और मस्टर्ड ऑयल में दिखाई देगी। राइस ऑयल मस्टर्ड ऑयल किसान भाई नीचे में बेचना बंद कर दिया है, राइस ऑयल की क्रॉप भी ना के बराबर हो गई, राइस ऑयल निचले स्तर पर है, और राइस ऑयल में सबसे ज्यादा रिकवरी आपको बाजारों में दिखाई देके राइस ऑयल में चलेगी। पामोलिन और सोया में उतनी बढ़िया आपको रिकवरी बाजारों में आती हुई बाजारों में नहीं दिखाई देगी। तो आपको जानकारी हमने आपको बता दिया किस तरीके से बाजारों में कामकाज हो रहा है। केएलसी के बारे में भी आपको बता दिया। सीबॉट की बात कर लेते हैं। सीबॉट के बाजारों में अगर बात करेंगे तो 47.50 का जो सेंट है इसका सपोर्ट एक कामकाज करेगा। ऊपर में जो लेवल आपको जो सीबॉट के बाजारों में दिखाई देगा, सीबॉट के बाजारों में 51 से 53 तक के ऊपर में सीबॉट के बाजारों में आपको लेवल दिखाई देके चल सकते हैं। 47.50 का लेवल होल्ड रखता है बाजार में, आपको नीचे कहीं आता है सीबॉट पर भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। सीबॉट एक सिर्फ मार्केट का व्यू जानने के लिए होता है कि उससे बाजारों में एक तेजी बंदी, बाजारों में क्या आउटलुक है उसका जानकारी मिलती है। तो सारी जानकारी आपको एक क्रिस्टल क्लियर आपको बता दी है। सोया ऑयल के बारे में बता दिया है आपको, पामोलिन, राइस ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल और सोयाबीन सीड, साथ ही साथ आपको सरसों सीड के बारे में सभी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप हमने सारी जानकारी आपको दे दी है। आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे, और अगर आप संतुष्ट हैं और आप अगर इसी तरीके की जानकारी एक्सक्लूसिव कंटेंट जानना चाहते हैं तो अपना वैल्यूएबल कमेंट नीचे में फीडबैक जरूर दीजिएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, नीचे सबको ज्वाइन का बटन है, अगर इसी तरीके से आप एक्सक्लूसिव आप जानकारी जानना चाहते हैं तो एक ज्वाइन का बटन होगा, आप उस पर ज्वाइन भी जरूर होइए ताकि आप लोगों को एक्सक्लूसिव जानकारी आप लोगों को तुरंत आप लोगों को मिल सके। तो ज्वाइन भी आप लोग हो सकते हैं, जो लोग ऑलरेडी व्हाट्सएप पे ज्वाइन है उनके लिए वो ज्वाइन का बटन नहीं है, जो व्हाट्सएप पे ऑलरेडी ज्वाइन है, जो ऑलरेडी उस पे ज्वाइन है उस पे कहीं कोई समस्या नहीं, बाकी जो लोग नहीं डायरेक्ट ज्वाइन है वो ज्वाइन का बटन आपको नीचे मिल जाएगा, वहां पर आप जाके ज्वाइन हो सकते हैं ताकि आपको इसी तरीके का अगर जानकारी जानना चाहते हैं तब।
बाकी कोई समस्या वाली बात नहीं है, कोई फोर्सेबल नहीं है। अगर आप सही जानकारी जानना चाहते हैं तो सपोर्ट करिए। तो सभी जानकारी आपको दे दी है, फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से एक नई खबर के साथ, एक नए सेशन में, नई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के साथ। तो जून मंथ का पूरा आउटलुक दे दिया, जून मंथ में बाजारों में किस तरीके से कामकाज होता हुआ नजर आएगा। तो फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मुनाफा कमाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।